नमस्कार सत्यात्रा न्यूज में आप सभी का स्वागत है। गांव के चौपाल में महिलाएं सक्रिय, जमकर गिनाई समस्याएं। मिर्जापुर जनपद क्षेत्र के डंगहर एवं बहुती में चकचौरा में संपन्न हुई चौपाल में जनहित से जुड़े कुल 79 मामले सूचीबद्ध कराए गए। डंगहर में प्रधान गीता देवी एवं प्रधान प्रतिनिधि कृष्णजीत सिंह तथा बहुती में चकचौरा में प्रधान प्रनोज पाठक ने माल्यार्पण कर BDO एवं अन्य अधिकारियों का स्वागत किया। ADO समाज कल्याण प्रेमचंद पटेल ने वृद्धा, विधवा तथा दिव्यांग पेंशन योजना तथा कन्या सुमंगला योजना के बारे में विस्तार से बताया। BDO हरिओम गुप्ता ने चौपाल की अध्यक्षता की। दोनों गांवों में आवास एवं पेंशन राशन के लिए ग्रामीण परेशान रहे। BDO ने बताया कि मात्र 5 माह और इंतजार करिए, आवास की व्यवस्था की जाएगी। ADO कृषि दयाराम चौकसे ने किसानों को बैंक अकाउंट अपडेट रखने के तरीके बताए। उन्होंने गैपुरा कृषि बीज गोदाम से उन्नत प्रजाति के बीज लेने पर अनुदान के बारे में जानकारी दी। शिक्षा विभाग की ओर से गणेश ओझा ने बच्चों का नामांकन परिषदीय विद्यालयों में कराने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने परिषदीय विद्यालयों में शासन स्तर से दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी। प्रधान मनोज पाठक, गीता देवी ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। सेक्रेटरी प्रकाश चंद्र दुबे, अखिलेश राज उपस्थित रहे। सत्यात्रा न्यूज से आशुतोष शर्मा की खास खबर। धन्यवाद। आज आपके यहाँ ग्राम चौपाल था, उसके बारे में विषय बताएं। BDO साहब आए थे, सारा कार्यक्रम देखे जी, सब पूछते जनता जी, किसी प्रकार की शिकायत आई? कोई शिकायत नहीं थी, जनता सब खुश थी और कोई दिक्कत है नहीं गाँव वालों जी। आवाज को लेके कोई समस्या अगर? कोई दिक्कत नहीं, आवाज इतना थे तब बना हुआ है, कोई दिक्कत है नहीं। मैं समूह के कार्य करता हूँ, ICRP अपने डब्ल्यू से कार्य करती हूँ। जुलाई का महीना आ रहा है, बरसात होगा, रास्ते में नालियों में पानी जल जमाव होगा, तो आपके द्वारा क्या लोगों को जागरूक किया जा रहा है? सर, ये जागरूक किया जाएगा सर कि आप लोग साफ सफाई करिए, एक एक्स्ट्रा बीमारी का वो हो जाएगा, आप लोगों को दिक्कत होगा, यही सब के हम लोग को जानकारी देंगे सर। आस पास साफ सफाई रखिए। दवा का छिड़काव अगर करना होगा तो क्या करेंगे? तो हम लोग खुद कहेंगे कि स्वास्थ्य के लिए होगा, तो उनको लोग जानकारी देंगे कि दवाई आप लोग करिए।